हेलो दोस्तों, ये है होनर का मीडिया पैड M5 लाइट। इसका हम करेंगे FRP बाईपास, जिसके अंदर है ना हाई सिलिकॉन क्रीन 659 का प्रोसेसर लगा हुआ, चिपसेट जो है वो। तो इसको FRP करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको टूल्स के द्वारा ही बाईपास करना पड़ेगा। टूल्स में है अनलॉक टूल है, MRT टूल है, और हाई साइज हवाई को जो सपोर्ट करते हैं, कोई भी टूल्स उसमें चलेगा। ये टेस्ट पॉइंट के थ्रू होगा, डायरेक्ट FRP बाईपास नहीं होगा। उसके लिए टैप आपको खोलना पड़ेगा, और जो इसके पिन आउट है, मैं जो वीडियो में दिख रहा है, वो पिन आउट को ग्राउंड से शॉर्ट करना है आपको। ये देखिए, IC के पास में लास्ट वाला पॉइंट है, उसको ग्राउंड से शॉर्ट करना है। ग्राउंड से शॉर्ट करोगे तो आपका टेस्ट पॉइंट का जो है वो ड्राइवर डिटेक्ट हो जाएगा, और टेस्ट पॉइंट में फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल को ओपन करना है, अनलॉक टूल नहीं है तो हवाई टूल। और वहाँ से जो लेफ्ट साइड में मॉडल है, लेकिन मेरे वीडियो में कट हो गया है, वहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना है 659, और उसके बाद बूटलोडर अनलॉक करना है आपको। बूटलोडर अनलॉक होगा, बाद में ये ऑटोमेटिक फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। जैसे ही फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक हो जाएगा, दो फाइल्स है वो राइट होगी एक्स लोडर की, और उसके बाद टैब जो है ऑटोमेटिक फास्ट बूट मोड में डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे ही फास्ट बूट मोड में जाएगा, आपको इसी टैब के अंदर फास्ट बूट मोड का ऑप्शन है, उसमें फास्ट बूट मोड में डालना है, टैब पे जाना है और रीसेट FRP करना है। ये देखो, पोर्ट बन गया फास्ट बूट मोड का, फास्ट बूट मोड पे क्लिक किया, और अभी हम करेंगे रीसेट FRP। जैसे ही रीसेट FRP करेंगे, FRP कुछ सेकंड के अंदर क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद टैब को वापस नॉर्मली पैक कर देना है, मतलब बैटरी कनेक्ट करना है और फिर ऑन करके देखना है उसको। बैटरी कनेक्ट करके ऑन करके देखोगे तो हो सकता है, देखो डिस्प्ले के अंदर लाइंस भी आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले के अंदर लाइंस भी आ जाए और नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, वापस टैब को स्विच ऑफ करना है, फिर रिकवरी मोड में डालना है वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ बटन दबा के, रिकवरी मोड में डाल के फैक्ट्री रीसेट मारना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ये देखो ऐसा, जैसे ही आप फैक्ट्री सेट करेंगे, टैब वापस ऑन होएगा और प्रॉपर स्क्रीन में आ जाएगा। देखो जैसे ही आया, मेरी भी लाइन आई थी, रीसेट मारा तो प्रॉपर सही हो गया। फिर एग्री एग्री प्रोसेस करना है, नेक्स्ट एग्री स्पेस स्किप सॉरी स्किप नेक्स्ट स्किप, और ये प्रोसेस पूरा करना है आपको। एग्री टू ऑल स्किप, क्लियर हो गया FRP, पूरा क्लियर हो गया है।